कुकिंग किचन। मैं हूँ बुशरा मुदस्सिर और आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बीफ गोला कबाब। आप चाहें तो मटन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है बीफ 1/2 kg, हरी मिर्च है 3 से 4 अदद, रेड चिली है 1/2 teaspoon, नमक 1 teaspoon है, आप हसबे जायका भी ले सकते हैं, रेड क्रश है मिर्च 1 teaspoon, अदरक है, बीन्स हैं सूखा धनिया के 1 teaspoon, लहसुन की एक पूरी गट्ठी है, ज़ीरा है 1 teaspoon, एक प्याज है दरमियाने साइज़ की जिसको मैंने बारीक काट के हल्के से ऑयल में फ्राई कर लिया है। सबसे पहले मैं ग्रीन चिली को, लहसुन और अदरक इसका पेस्ट बनाने लगी हूँ जिसको मैंने कीमे में शामिल करना है। लहसुन अदरक की और हरी मिर्च तीनों चीज़ों की मैंने पेस्ट बना ली है, इस पेस्ट को हम कीमे में ऐड करेंगे। साथ में हम जो स्पाइसेस हमारे हैं उनको ऐड करेंगे। और ये बेसन है, बेसन जो है वो बाइंडिंग के काम आता है, ये हमारे कबाबों को टूटने से काफ़ी हद तक बचा लेता है। और साथ ही में हम ये प्याज जो तला हुआ है इसको ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को मैंने कीमे के अंदर ब्लेंड करना है, मैंने इसको कीमे को चॉप कर देना है ताकि ये सारी चीज़ें कीमे के अंदर जाके स्मूथ हो जाएं। देखिए कितना स्मूथ और फाइन हो गया है चॉप करके कीमा हमारा। ये देखिए सारे स्पाइसेस जो हैं इसमें मिक्स हो चुके हुए हैं। अब हम इसके कबाब बनाते हैं। देखिए इसको ज़रा अच्छी तरह हाथों से दबा लीजिएगा ताकि ये खुले नहीं, इस तरह अच्छी तरह से दबाएं। ये तकरीबन ओवल शेप के होते हैं, ये देखिए इस तरह ओवल शेप बना के तो आपने इसके अंदर स्ट्रॉ लेके जानी है। आराम से इसको स्ट्रॉ पर डालिएगा और ये देखिए जो एक्स्ट्रा इसको निकाल दें। इसके अलावा ये देखिए हाथ से हल्का सा दबा दीजिए दोबारा ताकि ये अपनी शेप में दोबारा सेट हो जाए। ये देखिए इस तरह, और बड़ा इजीली इसको निकाल के आप इसी तरह बना दीजिए। ये देखिए मैंने कबाब बना लिए हैं सारे कच्चे कीमे के, और तकरीबन इनका इक्वल साइज़ है, क्योंकि जब आप कीमे का एक पीस लेंगे मुनासिब साइज़ का तो कोशिश कीजिए कि वो इक्वल हो। ये देखिए अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। कबाबों को हमने डीप फ्राई नहीं करना है, इनको शैलो फ्राई करना है, और फ्लेम जो है हमारी लो होनी चाहिए। अगर हाई होगी तो कबाब जो है वो कच्चे हैं और एकदम ये ऊपर से ब्राउन होकर जलना शुरू हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, इसलिए हमने फ्लेम को हाई नहीं रखना है, थोड़ा सा लो, और उसके बाद हल्की सी मीडियम करके हम इन कबाबों को फ्राई करेंगे। थोड़ी देर इनको ये एक साइड से होने देना है, उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। ये देखिए कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं, अब इनको आराम से आप पलटते जाएं। ये देखिए एक साइड पे होते जा रहे हैं इस तरह, बड़ा आराम से और इजीली आपने इसको कैरी करना है और इसको टर्न देते जाएं। लीजिए हमारे मज़ेदार से गोला कबाब तैयार है, खाइए और इंजॉय कीजिए। दुआओं में अपनी याद रखिएगा मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और काइंडली शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।